देखिए 2019 में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी ने कर्नाटक से बेंगलोर से 100 किलोमीटर दूर कोलार में एक जनसभा में ओबीसी समाज का बहुत बड़ा घटक मोदी नामधारी, मोदी सरनेमधारी, मोदी कास्ट, मोदी समाज, मोदी कम्युनिटी, इन सभी का अपमान किया था। उस समय हमने सूरत में ट्रायल कोर्ट में 2013 में ही हमने याचिका फाइल की थी। बाद में 2023 में ट्रायल कोर्ट में सभी कानूनी प्रक्रिया के बाद श्रीमान राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी गई। बाद में श्रीमान श्री राहुल गांधी ने उस सजा के सामने सूरत की सेशन कोर्ट में कन्विक्शन स्टे के लिए याचिका दी गई थी, वहां भी उनकी कन्विक्शन स्टे नहीं हुआ। जो फैसला था हमारे पक्ष में आया। बाद में कन्विक्शन स्टे के लिए माननीय गुजरात की बड़ी अदालत हाईकोर्ट में भी कन्विक्शन स्टे के लिए उन्होंने याचिका फाइल की थी। गुजरात हाईकोर्ट ने भी कन्विक्शन स्टे नहीं किया, फैसला हमारी और आया। बाद में नामदार सुप्रीम कोर्ट में कन्विक्शन स्टे के लिए श्रीमान राहुल ने याचिका फाइल की थी। आज सुप्रीम कोर्ट में श्रीमान राहुल गांधी का कन्विक्शन स्टे किया गया है। इस कानूनी प्रक्रिया में हम इस सम्माननीय फैसले का स्वागत करते हैं। इनमें जब अब सेशंस कोर्ट में ये मुकदमा हम चलने वाला है, वह हमारी ओर से, समाज की ओर से कानूनी जंग जो है वो लड़ी जाएगी।